नाम निधा वास्ती है और मैं गवादर रैली में फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं आई एम द फर्स्ट वुमेन रेसर जिसको टोयोटा इंडस मोटर्स ने जो है वो स्पॉन्सर किया है. आई एम वेरी थैंकफुल के उनके सपोर्ट के लिए. और मैंने दो तीन दफ़ा रैकी की है. ट्रैक बहुत खूबसूरत है. मैं गवादर का एक बाशिंदा हूँ और मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं इस ऑफ रोड रैली का हिस्सा हूँ और फोरम में दो इंशाल्लाह जीतूँगा. अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रसूल ग्वादर का रेसर हूँ, यहाँ का मकामी हूँ और आज इस इवेंट से बहुत खुशी मिल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं. मेरा ये डेब्यू रेस है जिसमें आज ईरानी पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल से इंटरनेशनल कंट्रीज से आई हुई हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं. मान रही मेरा नाम तला इकबाल रईस है, ग्वादर ऑफ रोड रैली का मैं CEO हूँ. ये रेस आप लोगों को बताता चलूँ, ये रेस चौथी दफ़ा हम करा रहे हैं. सबसे पहले हमने 2016 में ये कराया था, तो 2016 में तकरीबन हमारे पास जो रेसर आ रहे थे पूरे पाकिस्तान में वो तकरीबन 40 के करीब थे. अल्हम्दुलिल्लाह ये रेस अब अपने मैनेजमेंट के अच्छे कारकर्दगियों से, हमारे टीम के अच्छे परफॉर्मेंस से ये इसमें पार्टिसिपेंट्स बढ़ते गए. तो 2017 में तकरीबन हमारे रेसर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो 80 के करीब हो गए. और इसी तरह 2018 में और ये तकरीबन जाके 90 के करीब पहुंच गए. और ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी थी. और ग्वादर की अपनी एक खूबसूरती है, जो रेसर यहाँ पे आता है वो दूसरी दफ़ा अपने फैमिली को अपने साथ ले आता है. और यहाँ के ग्वादर के जो मकामी लोग हैं, हमारे बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं, ये बड़े मेहमान नवाज हैं. जब एक दफ़ा कोई बंदा बाहर से आता है तो ये मेहमान नवाजी और ग्वादर की जो खूबसूरती देखता है तो इस रेस में वो हमेशा आने की कोशिश करता है, चाहे वो एक गाड़ी पे हो चाहे वो फैमिली के साथ आए तो इसमें आ जाता है. और इस रेस के हवाले से बताता चलूँ, 2022 है ये रेस, इसमें सबसे ज़्यादा कामयाबी हमें इस बात पे हुई है कि इंटरनेशनल रेसर्स हमारे पास आए हैं, कोई 12 के करीब हैं. ये इंटरनेशनल रेसर्स गए बाकी जगहों पे लेकिन इस तादाद में नहीं था जो 2-3 के करीब थे, और हमारे पास तकरीबन 12 के करीब इंटरनेशनल आए हैं. सबसे ज़्यादा हमारे कामयाबी की बात ये है और हमारे मुल्क के लिए भी ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब एक इंटरनेशनल रेसर किसी मुल्क में चला जाता है और उस मुल्क के सिस्टम को देखता है, उस मुल्क के निज़ाम को देखता है, उसके मेहमान नवाजी और सबसे पहले अमन को देखता है, तो वो बार बार आता है. पहले ये 3 आए थे ईरान के ड्राइवर, अब आए हैं हमारे पास कोई 12 के करीब. इससे पता चलता है कि अमन व अमान का सूरत हाल, मेहमान नवाजी का, हमारे इलाकों की खूबसूरती का, ये एक ये बात साबित हो गया है कि ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब अमन है, सब इनमें हर चीज़ सही है. तो ये हमारे लिए एक उसके लिए बड़ी कामयाबी की बात है. और इसके साथ इस रेस में और हमारे कामयाबी हुई है क्योंकि लेडीज़ ड्राइवर आ रहे हैं. जब लेडीज़ ड्राइवर कहीं पे चले जाते हैं तो वो भी बड़ी कामयाबी की बात होती है, क्योंकि तकरीबन हमारे पास इस दफ़ा 6 के करीब लेडीज़ ड्राइवर हैं, जो पाकिस्तान में तकरीबन 6 उनकी तादाद 6 या 7 होती है, तो मतलब पूरे वो आ गए. ये भी हमारे लिए काफ़ी और बड़ी बात है. और ये ट्रैक के हवाले से बताता चलूँ, अभी जो ये 2022 का हमारा जो ट्रैक है, 21 का सॉरी, तो इसमें तकरीबन ये है 125 किलोमीटर का ट्रैक है और इसके हम 2 लेप मारेंगे तो तकरीबन 500 किलोमीटर तक ये चला जाएगा. और ये ट्रैक ग्वादर शहर से शुरू हो के पिशुकान, गन्ज, वहाँ से पलीरी, निगोर और होता हुआ वापस इसी पॉइंट पर आके ये ख़त्म हो जाता है. और हमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान आर्मी का, उन लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया, क्योंकि एक रेस को मुनक्कद करने में, क्योंकि ये इसमें काफ़ी मैन पावर चाहिए होता है और काफ़ी हर चीज़ को मैनेज करना होता है, तो पाकिस्तान आर्मी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हर साल, उनके काम और भी हैं, उनके ड्यूटीज़ हैं, हर चीज़ है, लेकिन वो आते हैं हमें इस चीज़ में हमारी मदद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं. बलूचिस्तान गवर्नमेंट का बग़ैर फाइनेंस के ये रेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम, हमारी टीम, हमारे जो क्लब्स हैं, जितना भी हम अपना पैसा इकट्ठा करें, जितना भी वो करें, हमें फिर भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट हर साल हमें सपोर्ट करती है, हमारी मदद करती है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो
बाकी चीज़ें हों वो हमारे पास आ जाते हैं। और दूसरे मैं बात करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो ये जो ट्रैक है हम हर साल ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी हमें स्पॉन्सर करती है। उनके जो डीजी साहब हैं शाहजेब काकड़ साहब स्पेशली, उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, वो उसने हमें काफ़ी मदद की है। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर साहब का उन्होंने भी काफ़ी हमें मदद की। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोगों के एंगल से कोई और चीज़ें होते हैं, लेकिन हमारे एंगल से ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि एक रेस इस चीज़ में आ जाती हैं। अब और बाकी ग्वादर के अवाम का कि इतने लोग आ जाते हैं और उनको वो खुश आमदीद करते हैं, अपने घरों में जगह देते हैं, क्योंकि ग्वादर फुल हो जाता है, सारे होटल्स बुक हो जाते हैं। और आप लोगों के मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमेशा इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं, पूरे पाकिस्तान को दिखा देते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।